नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर, खबरें देखते हैं रफ्तार से। बेतिया में कुछ उपद्रवियों ने अचानक नगर थाना पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गया में एंटी लीकर टास्क फोर्स पर शराब के अवैध कारोबारियों ने हमला कर दिया। माफियाओं की पत्थरबाजी से तीन वाहन के शीशे टूट गए, इसे लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नवादा में बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने एक दंपत्ति पर फायरिंग कर दी। घटना में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। विक्रम में ऑटो की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान बसपुर गांव निवासी नोखलाल यादव के रूप में हुई है। जमुई में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। घटना खैरा मुख्य मार्ग पर गैस गोदाम के पास की है। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। मसौढ़ी में तारेगना रेल घुमटी के पास एक तेज रफ्तार वैन रेल घुमटी फाटक को तोड़ते हुए निकल गया, जिसके बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। बांका में सीपीआई से कॉमरेड संजय कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बेलहर के पूर्व विधायक रामदेव यादव ने की। बांका जिले के रजौन थाना इलाके में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 7 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। मसौढ़ी में राशन कार्ड धारकों को जनवितरण प्रणाली के डीलर की मनमानी के चलते राशन नहीं मिल रहा है, इससे लाभुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। धूप खिलने के बाद ही लोगों को ठंड और कनकनी से राहत मिली, हालांकि धूप के बीच हल्की धुंध और कोहरा भी है। बिहार में सर्दी का सितम भले कम हुआ है, लेकिन राजधानी पटना में हवा की गुणवत्ता नहीं सुधर रही। बारिश से मामूली बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत से काफी खराब है। पूर्णिया स्थित पैनोरमा ग्रुप के कॉरपोरेट कार्यालय में पैनोरमा ग्रुप के कर्मचारियों ने मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। झारखंड में भाषा पर विवाद जारी है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर हमला बोला। सुदेश महतो का कहना है कि सरकार ने भाषा विवाद पैदा किया है। आसू ने राज्य भर में जनसंग्रह धन संग्रह अभियान का शुभारंभ किया। रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने जनसंग्रह धन संग्रह अभियान की शुरुआत की। रांची में महेंद्र सिंह धोनी शूटिंग रेंज में नजर आए। रांची के जेएससी स्टेडियम में पहुंचकर माही ने बल्ले की जगह बंदूक उठाकर निशाना लगाया। लोहरदगा में उग्रवाद अपराध नियंत्रण को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर मोटरसाइकिल, चारपहिया वाहन और भारी वाहनों की जांच पड़ताल हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में फोटो सिलारी एंट्री से संबंधित वोटर कार्ड में सुधार के लिए जिला चुनाव पदाधिकारी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें जिले के सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और एआरआई शामिल हुए। लातेहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में उपायुक्त अबू इमरान छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। संवाद कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों के साथ उपायुक्त की बातचीत हुई। लोहरदगा सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है। जांच के लिए एक्सपायरी दवाओं को बायोवेस्ट मैनेजमेंट मेडिकेयर भेजा जा रहा है। हजारीबाग के बरही में हुई नाबालिग युवक रूपेश कुमार पांडे की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 27 नामजद सहित कुल अज्ञात 100 लोगों को आरोपी बनाया गया। बोकारो में सेल की तरफ से वाटर सप्लाई प्लांट बनवाया जा रहा है। विस्थापितों ने वाटर सप्लाई प्लांट के काम को रोक दिया और धरने पर बैठ गए। रांची के मोरहाबादी में 289 फुटपाथ दुकानदारों को 11 दिनों के बाद जगह दे दी गई है। नगर निगम ने दुकानदारों को जगह दी है। नगर निगम के अधिकारी मोरहाबादी पहुंचे और स्टेडियम के पास से जगह को चिन्हित कर जमीन को समतल किया। कोटी जिले के मुरहू में थाने के लिए पुलिस प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। यहां पुलिस खुद ही थाने का सुंदरीकरण कर रही है। महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रवीण कुमार का निधन, इससे बॉलीवुड में शोक की लहर। प्रवीण कुमार अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रहे। उन्होंने एशियन गेम्स में 4 कॉमनवेल्थ में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। साल 1967 में प्रवीण कुमार को खेल के सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था।
पहले चरण की 58 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। पश्चिमी यूपी से पहले चरण के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा 15-15 उम्मीदवार। पहले चरण के लिए कुल मतदाता 2,27,00,000 से ज्यादा हैं। पहले चरण में मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7 सीट समेत 58 सीटों पर मतदान। पहले चरण के लिए आज दिग्गज झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव और प्रियंका करेंगी चुनाव प्रचार। बीजेपी ने यूपी की जंग में झोंकी पूरी ताकत। यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। रामपुर, बदायूं और संभल में करेंगे चुनावी रैली। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का करेंगे दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर में करेंगे चुनावी प्रचार। यूपी के इटावा में एसपी गठबंधन को बड़ा झटका। शिवपाल के करीबी प्रसपा प्रदेश उपाध्यक्ष हुए बीजेपी में शामिल। जमशेदपुर में किन्नर बच्चे को जन्म देने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला। पीड़िता ने मामले को लेकर आरआईटी थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धनबाद में तालाब से बरामद हुआ शख्स का शव। 4 दिन से लापता था मृतक। शराब के नशे में तालाब में गिरने से मौत की आशंका। मुंगेर में आपसी विवाद में पीट पीट कर एक युवक की हत्या। एक युवक हुआ घायल। अभियुक्त कृष्णा मांझी की पत्नी के साथ मृतक सोनू ने की थी छेड़खानी। खगड़िया के रोहियार गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी। मौके पर एक युवक की मौत। प्रसाद के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। रांची के जगन्नाथपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने की करीब 10 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नालंदा के मेहरमा गांव में 2 गुटों के बीच गोलीबारी में एक युवक की मौत। भैंस बांधने को लेकर हुआ था विवाद। सिवान में बाइक छीनने का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सासाराम के बादशाही पुल के पास नहर से एक युवक का शव बरामद। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान। राजधानी रांची के धुरवा थाना इलाके में शख्स का शव मिलने के बाद सनसनी। सासाराम के मुफस्सिल थाने के अमर तालाब में ट्रक ने सड़क के किनारे खड़ी हाईवा में टक्कर मारी। खलासी की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी की महिला नेता के घर जानलेवा हमला। आरोपी ने ईंट पत्थर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। घटना के वक्त घर में अकेली थी सुमन उन्नी। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। विधानसभा गेट के सामने कारोबारी से दिन दहाड़े 1,90,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। छपरा में सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश हुई नाकाम। बैग लेकर भाग रहे लुटेरों को संचालक ने पकड़ा। सीएसपी संचालक की आंख में मिर्ची पाउडर भी डाला। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। दानापुर के वीआईपी इलाके में चोरी की वारदात। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर जेवरात समेत 15,00,000 की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मोतिहारी के टुमरिया घाट में चोरों ने एसबीआई एटीएम को बनाया निशाना। पुलिस की गश्त गाड़ी देखकर चोर भागे। पाकुड़ में कार से 25,00,000 कैश बरामद। पुलिस 2 लोगों से कर रही है पूछताछ। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। जमशेदपुर में खुलेआम घूम रहे एटीएम साइबर अपराधी। करीब आधा दर्जन एटीएम से हुई छेड़खानी। पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। उज्जैन में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। 3,00,000 नकदी समेत 4 पहिया वाहन जब्त। आरोपियों ने मुंबई में 70,00,000 की लूट को अंजाम दिया था। जोधपुर में फैक्ट्री के बाहर खड़ी पिकअप। दिन दहाड़े हुई चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिलासपुर में बदमाशों ने 10वीं के छात्र को अगवा कर उतारा मौत के घाट। 50,00,000 की फिरौती मांगने से पहले ही हत्या कर शव को दफनाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भागलपुर के लोदीपुर थाना इलाके के पास हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भतीजे ने वारदात को अंजाम दिया। जमीन विवाद को लेकर की गई थी हत्या। जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान दरधा नदी में डूबा छात्र, तो 3 छात्रों को स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया। आरा के ओझवलिया मोड़ के पास 2 बाइक में टक्कर। बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत, 1 घायल। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना इलाके के NH 27 पर सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर। मौके पर मासूम की हुई मौत।
चार घायल, कोहरे की वजह से हादसा हुआ। एमपी के छतरपुर में बेकाबू बस पलटने से भीषण हादसा, 15 से ज्यादा यात्री घायल। राजस्थान के सीकर में आगरी की पहाड़ियों में लगी आग, कई घंटों के बाद काबू में आग। राजस्थान के नागौर में दो कारों के बीच भिड़ंत, कार सवार दो लोगों की मौत, तीन लोग घायल। अरवल में मॉर्निंग वॉक पर निकले नेता उमेश यादव को कार ने कुचला, घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई तो वाहन चालक मौके से फरार। गोपालगंज में बारात लौटने के दौरान दूल्हे की कार पर दबंगों ने किया लाठी डंडे से हमला, हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल। गाड़ी ले जाने पर सरस्वती पूजा के पंडाल वालों से हुआ था विवाद। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद, झगड़े में मां बेटे समेत चचेरा भाई जख्मी। हजारीबाग के दुलहमा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों के बीच मारपीट, एक युवक की इलाज के दौरान मौत। सहरसा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, फायरिंग में एक महिला गंभीर तौर पर घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, युवक ने महिला के गर्दन पर चाकू मारा। छपरा पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बताया पूरी तरीके से फेल, शराबबंदी पर साधा निशाना। वैशाली जिले में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है, छापेमारी में स्निफर डॉग भी शामिल। रांची के अपर बाजार पर आरआरडीए ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई, नगर निगम ने 17 दुकानों को सील करने का आदेश दिया। मध्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 13 देशी शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। घाटशिला में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता, अदरक के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी शराब, पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 1 करोड़ की स्मैक, दो ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। उदयपुर में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया का वीडियो हो रहा है वायरल, लोगों के बीच बोल रहे हैं अपवास की जरूरत नहीं। बिहार समेत कई राज्यों में खुले स्कूल, मॉल मंदिर और पार्क भी खुले, कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। बिहार में कोरोना पर लगी लगाम, 24 घंटे में मिले कुल 295 नए केस, पटना से मिले 44 मरीज, रिकवरी रेट 98%। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 373 नए मरीज की पुष्टि, रांची में मिले कोरोना के 78 नए पॉजिटिव केस। कोरोना के खिलाफ देश को मिली एक और वैक्सीन, डीसीजीआई ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी। देश में कोरोना की 169 करोड़ से ज्यादा डोज लगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगी, 10 जनवरी से जारी बूस्टर डोज अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। 15 फरवरी से असम में कोई कर्फ्यू नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी, बच्चों से की अपील। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, अगले हफ्ते से बाकी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल का दौरा किया, बच्चों के साथ शिक्षकों से भी बात की। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीरी एकजुटता दिवस पर सवाल उठाए, पीओके के लोगों ने धोखाधड़ी दिवस कहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत, कहा आज के हालात में ऐसा करना ही समझदारी। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन के कारण राजधानी ओटावा में लगाया गया आपातकाल, कोरोना वैक्सीन के अनिवार्य होने का विरोध कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स। फिलीपींस में 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए शुरू वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किया गया खास बंदोबस्त। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने नाटो देशों को किया और मजबूत, पोलैंड में शुरू की अपने सैनिकों की तैनाती। रूस बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास में रूस ने अपनी S-400 मिसाइल के साथ शुरू किया अभ्यास।
रूस के साथ जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन ने भी अपनी टैंक यूनिट्स के साथ किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन की महिलाओं ने भी शुरू की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दी कोरोना प्रतिबंधों में ढील। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए 21 फरवरी से अपने देश के दरवाजे खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे कल। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। आईपीएल 2022 के लिए अहमदाबाद टीम के आधिकारिक नाम का ऐलान। अहमदाबाद टाइट्स होगा आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी का नाम। हार्दिक पांड्या संभालेंगे टीम की कमान। रणजी के लिए बड़ौदा की टीम का ऐलान। लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम नहीं। 10 फरवरी से खेले जाने हैं रणजी मुकाबले। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट और टी20 मैचों की सीरीज 25 फरवरी से। सीरीज के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल लेंगे संन्यास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहेंगे अलविदा। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद दीपक हुड्डा हुए भावुक। विराट कोहली ने तोहफे में दी कैप। दीपक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 5वां मैच हारी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की टीम कराची किंग्स। टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का मंडरा रहा है खतरा। रोडीज के नए सीजन को होस्ट करेंगे सोनू सूद। सोशल मीडिया पर जानकारी थी। उनसे पहले रणविजय सिंह ने 18 साल तक शो को होस्ट किया। शाहरुख खान आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। 80 करोड़ में डील हुई। शादी के बाद कश्मीर पहुंची मौनी रॉय। पति सूरज नामबियार ने शेयर की तस्वीरें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।